स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं प्रकाश अवस्थी और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं स्क्वायर रूट्स। दोस्तों स्क्वायर रूट्स को हम 5 सेकंड 10 सेकंड में आराम से मैक्स जल्दी निकाल सकते हैं, बट वो 5 सेकंड या 10 सेकंड या 2 सेकंड में कैसे निकालें उसके लिए हमें छोटी सी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। ध्यान देना, मैं प्रिपरेशन को इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है इसलिए जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो यूनिट प्लेस व्हेन, वन का स्क्वायर होता है वन तो इकाई का अंक एक होगा, दो का स्क्वायर चार होता है इकाई का अंक चार होगा, तीन का स्क्वायर नौ होता है इकाई का अंक नौ होगा, चार का स्क्वायर सोलह होता है इकाई का अंक छह, ऐसे पांच छ नौ चार एक। अब एक बात ध्यान देना, एक और नौ का स्क्वायर, एक का स्क्वायर भी एक, नौ का स्क्वायर इक्यासी लास्ट में एक, दो का स्क्वायर चार, आठ का स्क्वायर चौसठ, तीन का स्क्वायर नौ और सात का स्क्वायर उनचास, तो इकाई में नौ आएगा। अब ध्यान दो, हमने इसको एनालाइज किया, एक चार नौ छह पांच ही आता है और या जीरो आता है, बट किसी भी पूर्ण वर्ग की इकाई की संख्या में दो तीन सात आठ नहीं आता, तो टू थ्री सेवन एट डज नॉट ऑक्यूपाई यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई की संख्या में नहीं आता, क्या नहीं आता, दो तीन सात आठ। मेरे प्यारे दोस्तों एक और बात ध्यान देना, जैसे 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29। अगर हम इनके स्क्वायर्स लिखें, अगर हम इनके स्क्वायर्स लिखें, तो ध्यान देना, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का 484, 23 का 529, ये 576, 625, 625, और 26 का स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर। अब यहां देखो मैं रुक गया, जानबूझ के रुक रहा हूं कि 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो यही है प्रकाश मैथ है, ध्यान देना। जैसे 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 841। अब देखो सर प्रकाश मेथड क्या है, तो देखो 41 41, फिर से देखो 28 का स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्तों 28 मैं भूल गया, फिर याद आया 7, तो फिर 84 आएगा। क्यों 84 आएगा, आप एक चीज समझो, ये सेम हम बात करते हैं 27 के, 27 का स्क्वायर 729, तो यहां पर भी क्या आएगा 29, तो 25 का 57 था 576, 26 का 676। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्यों लिखा है, ये आपको समझ में इसलिए आना चाहिए, एक एक नौ में आया तो देखो एक नौ में ही, फिर देखो दो आठ, दो आठ में चार आता है, तीन सात में ये भी, और आप इसको भी ट्रिक को तैयार कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने एक हेडिंग डाली है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पॉइंट, किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम दो अंक ज्ञात करना। मैं स्क्वायर रूट बताऊंगा, पहले मैं अपने तरीके से इसको डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद ही स्क्वायर रूट बता पाऊंगा। ध्यान देना, क्योंकि मैंने कहा था 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आंसर आएंगे, और यहां जो सीख रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीख रहे हैं, पूर्ण वर्ग के बारे में। ध्यान दो, जिन क्वेश्चन में अप्रोक्स नहीं लिखा होता वो सारे पूर्ण वर्ग ही होते हैं, ये भी माइंड में सेट कर लेना। देखो पहले किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम दो संख्या ज्ञात करना। हमने यहां पर दो बेस मान लिए, एक 50 मान लिया और एक 100 मान लिया। अब किसी ने कहा सर 47 का स्क्वायर की अंतिम दो संख्या बताओ,
तो देखो 50 से कितना कम है, 3, तो 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर होता है क्या 09, तो इसकी अंतिम दो संख्या 09 आएंगी। किसी ने कहा सर 117 का स्क्वायर की अंतिम दो संख्या, मैंने कहा बेटा यहां आपको कुछ नहीं देखना, 100 से देख लो, 17 ज्यादा, 17 का स्क्वायर 289, तो लास्ट में 89 आएगा। आप कोई वैल्यू लो, किसी ने कहा सर 57 का स्क्वायर या 257, तो भैया 2 तो बोल ही जाओ, 57 50 से 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप एक चीज समझो, कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम दो संख्या ज्ञात करनी है कोई मेहनत नहीं, जैसे 102 का स्क्वायर, तो 100 से 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 04। मुझसे कह रहा है सर 92 का स्क्वायर बताओ, तो 100 से कितना कम, 8, 8 का स्क्वायर 64, सीधी सी बात अंतिम दो संख्या 64, बाकी कहीं लिखा 562, अब बच्चा डर गया 562, कुछ नहीं 5 बढ़ा दो, 50 से 62 कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144, अंतिम दो संख्या क्या आएंगी 44 आएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अब मैं सिखाता हूं आपको स्क्वायर रूट। दोस्तों ध्यान देना, स्क्वायर रूट मैं निकालने बता रहा हूं, या मैंने 21 का स्क्वायर 22 23 24 जो कि अभी इससे पहले डिस्कस किया था वही लिखा है। ध्यान दो, प्रोसेस क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट का यूनिट प्लेस क्या है 4। अब ये 4 किस में आता है, 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के में भी आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर भी 4 यूनिट प्लेस। अब देखो जितना भी बचे, जैसे इसमें 27 बचा, अब आप एक चीज ये देखो कि 27 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, तो 27 हमारा 5 के स्क्वायर के आसपास आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 36 ज्यादा होता है, नियम ये कहता है या तो इक्वल हो या कम हो बट ज्यादा ना हो, तो 5 का स्क्वायर, तो यहां मैंने लिख दिया 5 और 5। अब ध्यान दो, मैंने अभी बताया था अंतिम दो संख्याएं ज्ञात करना, तो 52 को देख रहे हैं, तो 52 50 से 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04 मतलब सीधे आंसर 52 हो गया। अगर हम 58 देखें तो 50 से कितना ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर 64, यहां 64 नहीं है तो ये नहीं होगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों करते क्या है, पहले आप एक एक तरीका समझो, पहले एक एक तरीका, नियम क्या है, अंतिम दो संख्या का इकाई 4, 2 और 8 में आएगा, उसके बाद सारे को हटा दो। अब देखो 125 किसके स्क्वायर के आसपास, अगर हम देखें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144, 144 ज्यादा होता है, या तो इक्वल हो या लेस हो, तो आप समझो 100 से कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर में ही 144 आएगा, अर्थात आंसर 112 हो गया। फिर से ध्यान देना, जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो लास्ट में क्या है 6, 6 किस में आएगा 4 और 6 में, बचा 92, अब 92 किसके स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 यहां ज्यादा हो जाएगा, तो 100 से कम में 9 का स्क्वायर 81 आएगा। अब देखो 100 से ये कितना कम 6, 6 का स्क्वायर 36, तो लास्ट में 36 नहीं है तो ये नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये होगा। 100 से कितना कम 4, 4 कम किया तो 4 कम किया, तो आप समझ गए 92 और 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में दो डिजिट, यूनिट में क्या है 9, 3 और 7 में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 और 7 में आएगा। अब आया 86 किसके स्क्वायर में, तो 9 का स्क्वायर 81 कोई दिक्कत नहीं, पर 10 का ज्यादा हो जाएगा, या तो 93 या 97। अब देखो मेरा हाईटेक प्रोसेस है, अभी अंतिम दो संख्या याद करना, 100 से कितना कम, अरे कितना कम 7, 7 का स्क्वायर 49 मतलब यही आंसर, तो ये नहीं। ये था एक प्रोसेस मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ 4 वैल्यू पे फेल हो जाता है, कौन सी,
21 22 23 24 26 27 28 29 ये समझो चार 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 ही वैल्यू बोला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 के स्क्वायर की अंतिम दो संख्या 41 होती है और 29 के में भी 41 होता है, 22 में 4 84 होता है, 28 में 84 होता है, इसलिए ये इनमें फेल हो जाएगा सिर्फ चार वैल्यू। बट अगर चार वैल्यू को हटा दे तो जो लोग नहीं कहते पांच सेकंड के अंदर दो सेकंड के अंदर भले 15 मिनट में समझाए और 2 मिनट में समझाए, मैक्सिमम 5 सेकंड का आंसर बिना मेहनत के, और हो सकता है आप पेन भी ना चलाओ। अब देखो तो इसलिए एक छोटा सा नया रूल इन चार के लिए ध्यान रखना, या चार के लिए नहीं सबके लिए बता दे रहा हूं, यूनिवर्सल है, हमेशा याद रखना 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 6, 30 आया, 30 से ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है तो आंसर छोटा, बड़ी होती तो आंसर बड़ा, तो छोटी है तो छोटा। फिर से देखो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 12, 132, 132 से 125 बड़ा है कि छोटा? तो छोटा, तो आंसर छोटा। यहां देखो 9 के बाद आया 10, 90, 90 से 92 बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा, तो आंसर बड़ा। फिर देखो 93, 9 के बाद 10 आया, 90, 90 से छोटा है कि बड़ा? तो छोटा, 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 तो आंसर छोटा। आई होप आपको ये चार समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेता हूं और उनको भी एक्सप्लेन करता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे हम बात करते हैं इन चार क्वेश्चन, नियम क्या कहता है, लास्ट की दो डिजिट इकाई में क्या है, 9, 9 किसमें आता है, 3 और 7, 187 बड़ा बचा। अब 187 किसके स्क्वायर के आसपास? तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है, अगर हम बात करें 14 का स्क्वायर तो 196, तो 13 का 196 ज्यादा होता है तो 13, या तो 133 होगा या 137 होगा। मैंने पहली टेक्निक बताई थी, तो देखो 33 33, 50 से कितना कम, 17, 17 का स्क्वायर 289 यहां नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, और 50 से कितना कम, 13 13 का स्क्वायर 169, तो लास्ट में 69 ये आंसर। फिर अगर आप चाहते हो कि सेकंड वाला जो सर ने बताया है उस पर भी फोकस किया जाए, तो 13 के बाद आता है 14, 13 गुणे 14, 13 का स्क्वायर 169 और 13 तो 182, 182 से ये बड़ा है कि छोटा? तो ये बड़ा है, तो आंसर बड़ा। फिर से ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 61 लास्ट में 1 है तो 1 और 9 में आएगा, बचा 285। अब आप देखो 285 किसके स्क्वायर के आसपास, तो 15 का 225, 16 का 256, 256, 17 289 ज्यादा होता है, तो या तो 16 का 161 या 169 होगा। अब आप खुद देखो 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा, 11 11 का स्क्वायर 121, लास्ट में 21 है नहीं, मतलब ये नहीं होगा। 50 से कितना ज्यादा, 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, लास्ट में 61, आंसर ये होगा। अगर आपको दूसरे मेथड पे वर्क करना है तो 16 के बाद 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 का स्क्वायर 256 और 16 तो 6 6 12 हो गया, 5 6 7 272 से ये बड़ा है, तो आंसर बड़ा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हूं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो अगर मुझसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, कमेंट में नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, उसी से ग्रुप में बंदा ऐड हो जाता है। लास्ट टू डिजिट यूनिट प्लेस में 4 2 और 8, अब आया 585, तो किसके स्क्वायर के आसपास, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 24 का होता है 576, 25 का 625, तो 24, 242 या 248। अब देखो बच्चा
24 गुणे 25 नहीं करना, 42 50 से कितना कम, 8 8 का स्क्वायर 64, सीधे आंसर। हाँ अब ये सिर्फ चार वैल्यू पे इफेक्ट है, बाकी पे इफेक्ट नहीं है, पर वो कम और ज्यादा पे इफेक्ट होता है। अब 24 के बाद 25 ये आपको करने की जरूरत नहीं, 24 के बाद 25 ये करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फिलहाल 600 आएगा, 600 से 585 छोटा होता है, अर्थात आंसर छोटा। तो चलते दोस्तों अब इस क्वेश्चन लास्ट में लिखा है 49 3 और 7 में आएगा। अब 1274 तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 36 का स्क्वायर होता है 1296 1296, और 35 का स्क्वायर मैंने सिखा रखा है 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4 1225, तो याद तो ये 353 हो गया या 357 होगा। अब आप एक चीज देखो, ये वैल्यू 50 से 3 ज्यादा तो यार 09 नहीं है, 50 से कितना था 7, 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर ये होगा। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और ये मेथड अभी तक मार्केट में नहीं है जो मैं पहले वाला बता रहा हूं। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए मैं इन चार क्वेश्चन के माध्यम से ये वाला जो समझाने जा रहा हूं, फिलहाल बेस्ट वही था जो पहला, बट वो चार केसों में फेल होता है तो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। लास्ट में 76, अब लास्ट में 76 ये 6 किस में आएगा, 4 और 6 में 57, 57 देखा जाए 8 का 64 होता है, ज्यादा होता है 7 का 49 या तो 74 या 76। अब बच्चा इसमें ध्यान दें, अगर मैंने देखा 50 से 24 ज्यादा, 24 का स्क्वायर 576, या 50 से कितना ज्यादा 26 ज्यादा 676, तो दोनों मिल रहा है, इसलिए यहां पर आप गलत कर दो। इस केस में क्या करो, 7 के बाद आता है 8, 8 सते 56, 56 से ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी, तो बड़ी तो आंसर बड़ा, बड़ी तो आंसर बड़ा। फिर से ध्यान देना, 41 एक और 9 146, 146 देखा जाए 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1212। अगर हम फिर से वही देखें जो पहला देखते थे कि 100 से 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 441 दोनों में आ रहा है, तो वो फेल हो जाएगा। तो यहां याद रखना 12 के बाद 13 का इंटू 144 प्लस 12 156, 156 से ये बड़ा है कि छोटा, जल्दी बताइए 156 से बड़ा है कि छोटा, छोटा तो आंसर छोटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं 29 की, 29 ये 9 3 और 7 में आएगा 313, 313 हमारा किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं किसकी, 313 तो 17 का 289 होता है, 18 का 324 ज्यादा होता है 17। अब एक चीज समझ, फिर से अगर मैं देखूं 100 से कितना कम, 23 529, 100 से कितना कम, 100 से कितना कम 27, 27 का 729, 100 से कितना कम 23, 23 का भी 529, तो यहां पर पहला जो बता रहा था वो नहीं लगेगा। तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, 17 के बाद आता है 18, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 17 और जोड़ दो 9 और ये हो गया 8, 1 9 और 1 10 306 से ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी है तो आंसर बड़ा होगा, आंसर बड़ा होगा। चाहो तो इसी मेथड को यूनिवर्सल मान लो, बट जब बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो वही अच्छा लगेगा, सिर्फ चार केसेस में तो मैटर है, तो आप दोनों सीख सकते हो। एक एक किस में आएगा, एक और नौ में आएगा, एक एक और नौ में आएगा, 524 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 524 तो देखा गया 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का 529 तो 22। अब आप एक चीज ध्यान दो, फिर से वही अगर हम 21 देखे तो 41, फिर 29 देखे तो 41 नहीं, 22 के बाद आता है 23, 22 इंटू 23
22 का स्क्वायर होता है 484 और प्लस 22 506, 506 से ये ज्यादा है तो आंसर क्या होगा बड़ा। आई होप आपको मेरा जो स्क्वायर रूट का मेथड है समझ में आया होगा। देखिए इसको आप पूरा तैयार करना, क्योंकि इसमें जो छोटा पॉइंट लिखा था 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या में नहीं आता। पुलिस का पेपर जो हुआ था सेम आया था, उसमें 3 वाला था और कैंसिल कर देना था, ठीक है। 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या में नहीं आता। मैं हूं प्रकाश। हाँ एक चीज ये भी ध्यान रखना, अगर आपको मेरे जो वीडियो है अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कम से कम मुझे इस वीडियो में 1000 लाइक भी चाहिए। तो मैं हूं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।